हेलो दोस्तों, मैं हूं ताहिर। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो अपने मिक्सर मशीन होती है, जिसे TMB कहते हैं और मिलर भी कहते हैं, अपनी अपनी भाषा में लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस TM में आपको मैं बता देता हूं कि इसमें दिक्कत क्या हो रही थी। इसमें ये इस जो TM का जो ये गेयरबॉक्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये पंप लगा हुआ है और इसके पीछे इसका गेयर लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जब ये चलाते तो इसके जो पीछे एक ऑयल सील लगती है, तो ये ऑयल सील इसकी लीकेज हो चुकी थी और जैसे ही ये चलाते तो इनका सारा ऑयल वहाँ से निकल जाता था। तो इस वजह से इसका काम करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये देखिए कि जैसे आप वीडियो में सब देख ही पा रहे होंगे कि इसमें कैसे खोला जाता है और क्या क्या हमको करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी इसके बारे में मिलेगी कि ये कैसे खुलता है और कैसे फिट होता है और कैसे इसमें कौन सी ऑयल सील लगती है और कौन सा बेयरिंग लगता है, और जो भी हर तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि ये बहुत थोड़ा टिपिकल काम है दोस्तों, इसको हर कोई नहीं करता है। तो आज हमको मौका मिला है इस चीज़ का, तो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये अच्छी जानकारी है और इस जानकारी की काफ़ी कम लोगों को मालूम होती है। तो मैंने सोचा कि इसका आपको वीडियो शूट कर लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ इसका वीडियो, ताकि आपके कभी भविष्य में अगर किसी की भी कुछ दिक्कत हो, काम हो, तो इस वीडियो को देखकर वो अपने काम को कर सकते हैं। कि जैसे कि कोई नया बंदा है या नया मैकेनिक है और वो खोल रहा है, तो अगर उसको कुछ समझ में ना आए तो इस वीडियो से कुछ उनको जानकारी मिल सकती है। तो ये देखिए कि ये इस तरीके से हम इसको खोल रहे हैं, तो आप देखकर इस तरीके से इसकी जानकारी ले सकते हैं। कि जैसे आप देख रहे हैं तो हम जैसे खोल रहे हैं, तो आप भी इस तरीके से इसको खोल सकते हैं। अब मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, ये जो TM है तो ये कॉन्वेंट का है, जैसे कि आप भी आगे देखेंगे इसकी कंपनी के बारे में। और इसमें मैं बता देता हूं आपको कि जैसे जो इसका ये जो गेयरबॉक्स है ना, तो दोस्तों इसका पंप और इसका गेयरबॉक्स, ये देखिए ये TM है, जिसको मिक्सर मशीन कहते हैं, KYB का ये सेट है दोस्तों इसका। और ये टाटा आप देख रहे हैं, 25 टाटा में लगा हुआ है। ये देखिए आपके इस टाटा गाड़ी में ये लगा हुआ है, ये KYB कॉन्वेंट का TM है। और इस कंपनी का जो ये सेट लगा हुआ है, तो इसमें ये जो पंप और इसका गेयरबॉक्स लगा हुआ है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको, ये PMP कंपनी का लगा हुआ है दोस्तों। तो आपको मैं ये जानकारी बता दूं दोस्तों कि ये जो मिलर आते हैं, तो इसमें हर में अलग अलग कंपनियों के सेट लगे होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी सबकी अलग होती है। अगर किसी ने कभी किस कंपनी का खोला है, तो वो अगर दूसरे में जाएंगे तो उनको अलग सा उसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि सब में अलग अलग होते हैं। ये देखिए हमने इसका पंप वगैरह इसका दोस्तों खोल दिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी और काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता रहेगा, आपको सब कुछ इसमें पता चलता जाएगा कि इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या सामान लगता है और कैसे खुलता है, कैसे फिट होता है, हमको क्या क्या तकलीफ़ आती है, क्या परेशानी आती है। तो ये वीडियो आप पूरा वॉच करेंगे दोस्तों, तो आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। और कभी आपके अगर कुछ काम पड़ जाए, जो नए लोग हैं, तो इस तरीके से वीडियो को देख कर आप अपना काम को सही कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कि अब हमने इसको पंप खोल दिया है, और ये स्टापे के जो एलंकी बोल्ट थे, तो ये इसमें 8 नंबर एलंकी के बोल्ट लगे होते हैं सारे।
तो इसको निकालो। और इसमें ये देखिए, ये इसका इसका मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, कि इसमें जो ऑयल होता है, ये इसका सेफ ऑयल होता है, जिसे हम गेयर बॉक्स में डालते हैं वैसा ही ये इसमें ऑयल होता है। इसका ऑयल अलग इसमें डलता है, ये देखिए इस तरीके से दोस्तों। हमने इसको बिल्कुल अलग अलग करके ही ऊपर खोल दिया है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं कि ये काफ़ी, जैसे अब जैसे इसमें बताता हूँ दोस्तों कि आपको, कि अगर आप नए हैं और कभी आपने नहीं खोला है, तो प्लीज़ इसकी पूरी जानकारी लेकर खोलें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों इसे खोलने फिट करने में। आप तो सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैंने बनाया है, लेकिन जब हम इसमें काम करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी दिक्कतें भी आती है। एक दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी इसको कहीं भी साइट पर ना खोलें, जैसे कि हमने तो अब हमने तो इसको खोल दिया है, क्योंकि हम और भी काम करने यहाँ पर आए थे, तो इसका भी काम था। तो अब हम तो क्या है कि हमने तो इसको यहाँ पर खोल दिया, लेकिन खोलना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ जो दिक्कत आई है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसी दिक्कत आए। तो इसका सही तरीका यही है दोस्तों, कि आप इसके आप जो आपका वर्कशॉप है या जहाँ भी है, तो इसके वहीं पर ले जाकर खोलें इसको, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है कि हमको क्रेन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर जैसी भी मशीन हो या जो भी ऐसा, तो क्यों भारी बहुत होता है दोस्तों। तो इसको सारा काम मशीन से ही इसको उठाया जाता है, मशीन से ही फिट किया जाता है। तो ये चीज़ें सारी अवेलेबल हो आपके पास, तभी इसको खोलें, वरना इसको ना खोलें। अगर ऐसी कोई सुविधा ना हो दोस्तों, तो ना खोलें। इसमें जैसे प्रेस मशीन की भी हमको ज़रूरत होती है दोस्तों, क्योंकि ये सब खुलता है, प्रेस से ही खुलता है, प्रेस से फिट होता है। तो इसमें काफ़ी परेशानी आती है दोस्तों, के जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने इसको अलग अलग यहाँ पर खोल दिया है। तो आप वीडियो को देखकर आप अपना नॉलेज ले सकते हैं, चाहे मैं कुछ आपको समझा सही नहीं पा रहा हूँ, तो आप सिर्फ वीडियो को देखकर अपनी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, के कैसे हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि मैं इसको शायद मैं मेरी बात में सही इसको बता नहीं पा रहा हूँ कि हम कैसे खोलेंगे क्या। तो आप सिर्फ इस वीडियो पर ध्यान दें और वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा इसका नॉलेज मिल जाएगा, कि ये किस प्रकार से फिट होता है, खुलता है, और क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन सा बेरिंग लगता है, इसमें सभी तरीके की जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएगी। तो आप इसको पूरा वॉच करें दोस्तों, ताकि आपको इसका पूरा नॉलेज मिल जाए और आपके कभी काम पड़ जाए, तो आपको परेशानी ना हो, और कभी कुछ समझ में नहीं आए, तो आप यहाँ से देख कर इसको काम कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको पूरा खोल दिया। अब हमको खोलने खोलने में इसको पूरा दिन हो चुका था दोस्तों, के जो आपको तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये बहुत आसान है, लेकिन हमने इसको खोला दोस्तों, तो हमें बड़ी परेशानी आई दोस्तों, क्योंकि ये टंकी के बोल्ट होते हैं और जो हंडे के बोल्ट होते हैं गेयर के, तो ये बोल्ट 30 नंबर के बोल्ट होते हैं, और ये काफ़ी जंग खाए हुए थे दोस्तों। तो ये बहुत ही हमें बहुत, और यहाँ पर पाने लगने की भी कोई ऐसी ज़रूरत, मतलब पाने लगने की भी ऐसी जगह नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर स्पेशल टूल के द्वारा ही इसको खोला जाता है, लेकिन हमारे पास स्पेशल टूल नहीं थे अवेलेबल यहाँ पर। तो हमने इसको बड़ी मेहनत से और बड़ी, मतलब आपको क्या बताएं दोस्तों, कि हम कितने परेशान हुए इसके खोलने में, तो हमें बहुत दिक्कत आई दोस्तों खोलने में। अब ये देखिए कि आप हमें हम इसको खोलते खोलते ही हमारे को इसको रात हो चुकी दोस्तों। तो ये देखिए, आप KYB कॉनमेंट का ये मिलर है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कॉनमेंट KYB। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें PMP का पंप और PMP का ही गेयर बॉक्स लगा हुआ है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी काम करें तो कंपनी के बारे में ज़रूर पूछें कि भैया कि इसमें कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। ये देखिए दोस्तों, ये जो बोल्ट होते हैं, ये काफ़ी
इन्होंने काफ़ी हमें परेशान किया, काफ़ी दिक्कत आई इनको खोलने के लिए, और इसको खोलने के लिए हमें काफ़ी अलग अलग जुगाड़ बनाने पड़े इसे खोलने के लिए, हम बहुत परेशान हुए दोस्तों। तो अब ये देखिए, ये रात हो चुकी है हमें इसको खोलने खोलने में, और इस तरीके से अब ये देखिए, ये इसकी हमने टंकी को भी अब खोल दिया है। अब इस मशीन के द्वारा हमें इस टंकी को नीचे उतारना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि ये देखिए जेसीबी के सहायता से हमने इस टंकी को, आप वीडियो में जैसे देख पा रहे हैं कि इसको बड़ी आसानी से, अब हमारे पास तो क्या है कि ना ऐसा कुछ बांधने का भी उतारने का भी कोई जुगाड़ नहीं था, और ना ही साइट पे कुछ सामान अवेलेबल था। तो हमने जैसे तैसे इसको इसका काम किया दोस्तों। दिक्कत और परेशानी तो हमको बहुत आई है, लेकिन अब क्या करें, काम करने आए थे तो करना तो पड़ता ही है। ये देखिए कि इस मशीन के द्वारा हम इसको नीचे आसानी से उतार लेंगे। और मैं जब भी कोई काम करता हूँ और अच्छी चीज़ होती है तो मैं उसका वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, और आप मेरे इस चैनल पर डालता हूँ, ताकि हमारे भाई जो मैकेनिक भाई हैं, कभी उनके जैसे इसको जानकारी ना हो और कुछ परेशानी आ रही हो, तो ऐसे वीडियो को देखकर आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं और इससे नॉलेज ले सकते हैं। और मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि जैसे अब मैं जो काम कर रहा हूँ तो मुझे तो काफ़ी दिक्कत आई और बड़ी परेशानी आई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप लोग कभी करें और कभी उलझन आ जाए। जैसे फर्स्ट बार कोई कर रहा है तो अब वो समझ में नहीं आता है कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इस वीडियो से दोस्तों काफ़ी लोगों को जो सहायता मिलती है दोस्तों, क्योंकि हम भी कभी उलझ जाते हैं तो हम भी किसी चीज़ की जानकारी लेते हैं। तो ये वीडियो इसलिए बनाते हैं दोस्तों कि जैसे हम परेशान हुए तो आप कभी परेशान ना हो, क्योंकि आपको आसानी से कोई चीज़ देखनी हो तो आप यहाँ से इसको आराम से देख सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमें काम करते करते अब वापस रात भी दिन भी हो चुका, रात भी हो चुकी, और ये वापस से सुबह हो चुकी है दोस्तों। अब ये देखिए कि यहाँ पर इसके जो ये 24 नंबर बोल्ट होते हैं, ये हम सभी बोल्ट यहाँ से इस टंकी में से खोल लेंगे। इस चपला मतलब एक तरह से ये, जैसे आप ये समझे कि ये एक चपला है, तो यही इस टंकी को घुमाता है और ये अंदर इसमें फिट है पिनियन की तरह। तो अब ये देखिए, हम ये रस्सी कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं और इस रस्सी की सहायता से हम इसको नीचे उतार लेंगे बड़ी आसानी से। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आप सिर्फ वीडियो देखकर ही अपना नॉलेज लें दोस्तों, कि देखने से ही सब कुछ पता चल जाता है दोस्तों। चाहे मैं आपको बता पाऊँ या ना बता पाऊँ, वीडियो आप देखकर ही आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब ये देखिए कि हमने इसको टंकी को पूरा को खोल लिया है वहाँ से टीएम से। तो अब इसको क्या है कि निकालने के लिए हमें यहाँ पर प्रेस मशीन पे लाना पड़ा, क्योंकि जो इसका जिसे मैंने बताया था, ये चपला गया हो आप या फिर इसका पिनियन बोलो या कुछ भी बोलो, तो इसको निकालने के लिए हमें लेथ मशीन पर, इसके प्रेस मशीन पर हम इसको लेकर आए थे। तो इस तरीके से हमने इसको, ये देखिए इसका जैसे ये पूरा गोल जो चपला है जो टंकी में बोल्टों के साथ लगा होता है, तो ये से फिट होता है अंदर। तो अब हमने इसको प्रेस पे निकला दिया है दोस्तों, और यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर इसकी ये बेरिंग की शीट है, और ये इस तरीके का इसमें एक बेरिंग लगा होता है दोस्तों, और यहीं पर ये जो आप बेरिंग देख पा रहे हैं, तो यहीं पर ये देखिए ये ऑयल सील होती है। और इसमें यही दिक्कत थी दोस्तों कि ये ऑयल सील ख़राब थी, तो इसको निकालने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी दोस्तों कि काफ़ी इसमें दिक्कत हुई, और काफ़ी हेवी काम है दोस्तों, काफ़ी भारी काम है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर
प्रेस पे इसको निकला दिया और ये बेरिंग देखिए कि दो ये किस प्रकार का बेरिंग है। और इस बेरिंग ये देखिए आप, ये इस तरीके का इसमें बेरिंग लगता है। ये मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों कि ये PMP का गेयर बॉक्स है। आप कभी काम करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ये PMP कंपनी जो होती है, PMP का गेयर बॉक्स लगा हुआ है और इसमें इस तरीके के फिटिंग है और खुले फिटिंग होती है और ये इस तरीके का एक सिंगल बेरिंग इसमें लगा होता है। अब ये जो बेरिंग आप देख रहे हैं ये स्पेशल बेरिंग है दोस्तों। ये बेरिंग इसलिए लगा जाता है ताकि ये क्या है कि मूवमेंट करता रहे। जैसे क्या है कि जो पीछे लोड आता है तो वो आगे पीछे घूमता है, तो ये भी इसके साथ साथ मूवमेंट कर जाता है बेरिंग। इसलिए ऐसा बना ताकि ये क्या है कि चारों तरफ मूवमेंट कर सकता है ऊपर नीचे। ऐसा वीडियो अच्छी तरीके से हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें काम भी करना पड़ता है और साथ कई बार तो हम शूट करना भी भूल जाते हैं। काम करते करते मुझे ध्यान आता है जैसे तो मैं शूट कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि जो काम जो करते हैं दोस्तों तो उनको इससे काफ़ी परेशान होना पड़ता है, वो सोचने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन जब हम देख लेते हैं दोस्तों के जिसे आप देख रहे थे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों। जो कभी आपका ऐसा काम कर रहा है तो वीडियो देखकर आप बड़ा आसानी से इस काम को कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं हो। वीडियो बनाए जाते हैं दोस्तों जो अपने यूरोप भी है दोस्तों, जो उनको अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो इसलिए तो हमने यहाँ पर ये पूरा खोलिए और इसके तरीके का भी लगा हुआ है। तो आप ये भी जहाँ हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें से कोई एक सिंगल ये भी रखता है, ये एक सी रखती है और वही चीज़ के लिए एक भी है उसकी उसमें, और ये वहीं से वही इसका निकल रहा था यहाँ से। तो अब इसकी एसी को हम नहीं मंगवा ली थी, तो हम यहाँ पर वगैरह डाल देंगे और कम्प्लीट करके और कंप्लीट कर देंगे। अब ये देखिए हमने क्या है कि इसको पूरा फिट कर दिया यहाँ पे, तो अब इसको हम फिट कर देंगे। ये जैसे कि एक ये देखिए कि एक रोलर बेरिंग जैसे ये सेंटर में लगा हुआ है और इसको हमने पूरा इसको फिट कर दिया है। अब इसको हम पूरा कंप्लीट फिट करके इसको मशीन के द्वारा हम इसको ऊपर चढ़ा देंगे। आप ये देख लीजिए कि इस तरीके से ये इसका गेयर बॉक्स में ये सामान होते हैं। और ये जो बेरिंग आप देख रहे हैं इन गिरारों में, ये सारे मूवमेंट वाले बेरिंग हैं दोस्तों, के ये पूरा मतलब एक तरीके से आप ये समझे गोल मूवमेंट में ये आराम से राउंड ले लेते हैं, क्योंकि इसको कंपनी ने ऐसा ही बनाया है दोस्तों। ये देखिए आपके, अब हमने तो यहाँ पर साइड पर सब कुछ खोला इसको, तो हमें बहुत परेशानी आई दोस्तों। लेकिन आप ऐसा कभी ना करें, इसको हर ऐसी जगह पे ना खोलें जहाँ कोई सुविधा ना हो या फिर कोई प्रेस मशीन ना हो, या फिर तो इसी जगह पे आप ना खोलें, नहीं तो आपका टाइम भी काफ़ी ख़राब हो जाता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। अभी देखिए दोस्तों, हमने इसको इस तरीके से सारा फिट कर दिया है। अब हम इसको हंडे को भी हमने फिट कर दिया है बिल्कुल। और मैं आपको एक बार और बताता हूँ, ये PMP कंपनी का है दोस्तों। ये अब इसके 8 नंबर एलंकी बोल्ट हैं, तो हमने इसके सारे एलंकी बोल्टों को अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और मैं इसी तरीके के वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाता हूँ। और जैसी भी कोई अच्छी बात होती है, नई जानकारी होती है, तो मैं आपके लिए ज़रूर इसको बताता हूँ मेरे चैनल पर। और आपको जैसे मालूम ही है मैं सेल्फ ऑल्टरनेटर और BS6 BS4 की गाड़ियों के मैकेनिकल वीडियो या फिर वायरिंग के वीडियो या फिर सेल्फ ऑल्टरनेटर रिपेयरिंग के, मतलब जैसे भी जो भी जानकारी अच्छी नॉलेजेबल में होती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता हूँ दोस्तों हमेशा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हमको कोई चीज़ परेशान हुई या
हमें दिक्कत आई कोई नई अच्छी चीज़ में, तो अपने हमें ये वीडियो बनाने से ये होता है कि अच्छा लगता है ताकि हम तो परेशान हुए, उलझे, जो भी हुआ, लेकिन आप लोग ना उलझे और आप लोगों को आसानी से इस काम को कर सकें। ये देखिए KYB का ये ATM है और ये हाइड्रोलिक यहीं से इस टंकी से के द्वारा ही हाइड्रोलिक इसमें सारे में सप्लाई होता है। और ये एयर कूलर है, मतलब ये इसका हाइड्रोलिक कूलर है, आप देख पा रहे हैं, जिसे हाइड्रोलिक रेगुलेटर लगा हुआ है इसमें, तो इसी में ऑयल इसका डाला जाता है। तो अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।